नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में और शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। यदि हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर वृक्ष मिल जाते हैं तो उनकी ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वे साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं। ये भगवत कथा में और महाभारत में भी लिखी हुई है। यदि हम पेड़ों की पूजा करते हैं तो साक्षात भगवान की ही पूजा करते हैं। आज हम जानते हैं कि पीपल की पूजा करने से कौन से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में क्या खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। नंबर एक, हनुमान जी की पूजा हम वैसे मंगलवार और शनिवार दोनों दिन करते हैं, क्योंकि शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का ही दिन होता है। यदि आप अपनी इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं और अपने जीवन से बाधाएं और समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं और दीपक चलाएं। ऐसा करने से हनुमान जी भी प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं और वो भी दूर हो जाएंगी। और एक और चीज़, यदि आप पर शनि भी भारी है तो उसके लिए भी यही उपाय करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में जो शनि का प्रभाव है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। पर तो यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं और प्रसन्न रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने धार्मिक और अधार्मिक दोनों विचारों को अलग रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को सकारात्मक रूप से समझ सकोगे और ऐसा करने से भगवान भी खुश रहेंगे, क्योंकि जब आपके विचार ही स्वच्छ और पवित्र होंगे तो उससे आपके जीवन पर नए प्रभाव आएंगे और नए अवसर भी मिलेंगे और ऐसे भगवान आपको आशीर्वाद भी देंगे और आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। नंबर तीन, यदि आप भगवान हनुमान और शनिदेव दोनों को ही खुश करना चाहते हैं तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार से बढ़कर कोई भी दिन नहीं है। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह सुबह जब सूरज नहीं निकलता उससे पहले ही उठकर नहा धोकर सारे काम से फ्रेश हो जाएं और उसके बाद एक पीपल के पेड़ पर जाकर दीपक जलाएं और दीपक भी तेल का होना चाहिए, उड़द की दाल ले जाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वह दूर हो जाएंगी। और एक और बात, इस बात का खास ख्याल रखें कि उस पीपल के 11 पत्ते लेकर आएं और 11 पत्तों पर आप जिस चीज से परेशान हैं उन बाधाओं को लिख दें और उन बाधाओं को लिखने के बाद किसी भी नदी या फिर साफ जल में आप उसे प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी जितनी भी समस्या है वह दूर हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। नंबर चार, आप पीपल के 11 पत्ते लेकर आएं। यदि आपके घर में पैसे की कमी है या फिर पैसों की दिक्कत रहती है तो उसके लिए भी आप पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसके बाद 11 पत्ते लेकर आएं। उसके ऊपर भगवान श्री राम का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उसकी एक माला बनाएं और उसे गंगा जल से साफ करें। गंगा जल से साफ करने के बाद उस पर तिलक करें और श्री राम लिख कर एक माला तैयार करते रहें और उस माला को तैयार करने के बाद हनुमान जी के गले में डालें। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी कला है वो दूर हो जाएंगी, समस्याएं भी दूर होंगी और पैसों की कमी भी दूर रहेगी और ऐसे करने से भगवान हनुमान भी प्रसन्न होंगे। नंबर पांच, और माला बनाते हुए आप खास ख्याल रखें कि जिस पत्तों की आप माला बना रहे हैं वह माला बनाते समय वह पत्ते कटे या फटे हुए ना हो, क्योंकि अगर वह पत्ते कटे और फटे होंगे तो उसके आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाले, उसके दूसरे यानी कि नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि पीपल के पत्ते बिल्कुल साफ और साबुत होने चाहिए। ऐसा करने से हनुमान भी खुश रहेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो ये है वह प्रभाव, यदि आप अपने घर में करते हैं तो भगवान हनुमान भी खुश रहते हैं और आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।